खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर 7C में विशाल पटेल के साथ आपका स्वागत है। ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। बताते चले कि बहराइच से एक मामला सामने आया है, जहां पर बहराइच में पति पत्नी के ऊपर तेजाब डालकर कुछ अराजक तत्वों ने हमला किया। पति पत्नी की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां पे पता चला है कि अभी तक अराजक तत्वों का पता नहीं चल सका है और किस रंजिशवश पति और पत्नी पर तेजाब डाला गया, इसकी जानकारी में पुलिस छूटी हुई है। आइए देखते हैं। ठेला चलाने वाले एक मजदूर और उसकी पत्नी को तेजाब से नहलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला थाना रामगांव इलाके का है, जहां पति और पत्नी पर सोते समय तेजाब से नहला दिया गया। तेजाब से बुरी तरह से झुलसे पति पत्नी को घायल हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल हमला करने वाले को अभी तक कुछ पता नहीं चला। खाना खा के लेटे रहा, कमर ओढ़े मलैया है, हम लेटे रहन और कोई बाहर से बाहर देश पर्दा ऐसे इलगतरा कोई बटोर, पहले धूप जब गिरा तो कमर बोले रहन, कमर जैसे उल्टा हम की देखा का गिरा कमर को ऊपर, बस सारा चेहरे पर गिर गया भाचे देश हमरे बीबी को ऊपर हमरे ऊपर। किसने डाला, कोई शक है किसी पे? साहब हम कि का बता दी, जब कोई से दुश्मनी नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है साहब, तो का बताए उनका लागत है तेज जानकारी। रामगांव थाना क्षेत्र की घटना है ये, और दोनों पति पत्नी हैं जो हमारे पास आए हैं। एसिड बर्न इंजरी है दोनों को और काफ़ी डीप है, एसिड अटैक किया गया है दोनों पे, तो उनकी गंभीरता को देखते हुए उनको लखनऊ टाउन हॉल रेफर किया जा रहा है। स्थिति दोनों की गंभीर है, हाँ, चेहरे पे है, आंखों पे है, सर पे है, चेस्ट पे है, दोनों हाथों पे है, पैरों पे भी है। बीती रात थाना रामगांव थाना क्षेत्र में राजापुर माफी नाम एक गांव है, वहाँ दो दंपत्ति एक ही चारपाई पे सोए हुए थे। रात 12:30 बजे किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर तेजाब डाल दिया है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गई। 35% बर्न है, कोई वाइटल पार्ट इंजर्ड नहीं है और उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है। दोनों मजरूफ बातचीत कर रहे हैं और खतरे से बाहर है। 326 IPC का मुकदमा रामगांव में दर्ज कर लिया गया है। आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है, लखनऊ भी मजरूफ से बात करने के लिए पुलिस टीम को भेजा गया है। इसके अलावा जहां वो ठेला लगाता था वहां के अगल बगल लोगों से भी बातचीत की जा रही है। मजरूफ ने अभी किसी रंजिश के बारे में नहीं बताया है, लेकिन पुलिस कई दिशाओं में कार्य कर रही है और जल्दी ही इस घटना का नाम